नेक्स्ट जो लेक्चर हमारे पास है लेक्चर नंबर 17 मॉस्फेट डिजिटल स्विचिंग। लास्ट लेक्चर में हमने एनालॉग स्विचिंग स्टडी की थी मॉस्फेट्स के थ्रू, आज हम डिजिटल स्विचिंग स्टडी करेंगे। एनालॉग स्विचिंग का जो पर्पस था वो ये था कि हम वायर डिजिटल सिग्नल, हम किसी एनालॉग सिग्नल को मॉस्फेट के थ्रू पास करवाते हैं। वो एनालॉग सिग्नल नॉर्मल 220 AC बोर्ड भी हो सकता है, और मोस्टली हम मॉस्फेट्स को यूज़ करते हैं और एनालॉग स्विचिंग टू। अच्छा, अब आज हम पढ़ेंगे मॉस्फेट की डिजिटल स्विचिंग। डिजिटल स्विचिंग से क्या मतलब है? डिजिटल स्विचिंग का मतलब ये है कि अब आपका जो इनपुट सिग्नल होगा वो भी डिजिटल होगा और आउटपुट सिग्नल जो होगा वो भी डिजिटल ही होगा, ठीक है, डिजिटल 1 और 0 की फॉर्म में। सो ये कैसे होगा इसको हम आज के लेक्चर में स्टडी करते हैं। MOSFETs का यूजेज हम स्टडी करेंगे इन डिजिटल स्विचिंग। फिर MOSFETs के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री MOS पढ़ेंगे, CMOS। हमारे पास जितने भी डिजिटल गेट्स होते हैं, इन्वर्टर, NAND, NOR, यूनिवर्सल गेट्स, सारे ये सारे के सारे CMOS टर्मिनोलॉजी से डिज़ाइन होते हैं। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम स्टडी करेंगे MOSFET की पावर स्विचिंग। पावर स्विचिंग का मतलब ये है कि आप उसको हाई पावर एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं या क्या इनका रोल होता है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जी CMOS क्या चीज़ है। अच्छा, CMOS पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ कि हम इस लेक्चर में बात करेंगे डिजिटल स्विचिंग की। अब डिजिटल में आपको पता है कि डिजिटल स्विचिंग क्या होती है। डिजिटल स्विचिंग होती है, डिजिटल स्विचिंग हम कहते हैं कि या तो हमारा सिग्नल 1 हो या फिर 0 हो। सो डिजिटल स्विचिंग का मतलब ये है कि 1 होगा या 0 होगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज इसको कैसे डिफाइन करेंगे। हमारे माइंड में पहले ये कॉन्सेप्ट आता है कि जी वोल्टेज या तो वोल्टेज वुड बी आइदर 1 volt और 0 volt, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आपके पास 1 volt और 0 volt। बेसिकली हम इसमें करते क्या हैं डिजिटल स्विचिंग में, डिजिटल स्विचिंग में हम ये करते हैं कि हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है, हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। और स्टैंडर्ड्स क्या सेट करते हैं ये हमारी मर्जी की होते हैं। स्टैंडर्ड्स हम ये सेट करते हैं कि अगर तो हमारे पास वोल्टेज है, अगर हमारे पास वोल्टेज का जो सिग्नल है वो 0 से लेकर लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि 3 वोल्ट के दरमियान है, तो इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक 0 है, ठीक है। और अगर हम फिर हम ये कहते हैं अगर 3.1 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के दरमियान सिग्नल है तो इट मीन्स कि ये लॉजिक 1 होगा। सो ये जो वोल्टेज है ये डाटा शीट से हमें पता लग जाती है कि कितने वोल्टेज को एज ए लॉजिक 1 हमने रखना है और कितने वोल्टेज को लॉजिक 0 रखना है। ये कंट्रोलर की डाटा शीट में पता होता है कि कंट्रोलर कितने वोल्ट को लॉजिक 0 लेता है और कितने वोल्ट को लॉजिक 1 लेता है, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं। स्टैंडर्ड्स हम क्यों सेट करते हैं और ये किसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर सेट करते हैं, ये किस चीज के क्या बता कौन बताता है हमें, ये बेस करते हैं हम किस चीज पे कि हमारा जो डिपेंड किस चीज पे करता है, ये डिपेंड करता है कंट्रोलर पे, माइक्रो कंट्रोलर पे, ठीक है। अब माइक्रो कंट्रोलर किस चीज को लॉजिक 1 एक्सेप्ट करता है और किस चीज को लॉजिक 0 एक्सेप्ट करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। जब हमारा कंट्रोलर है, अगर हम वो ऐसा डिज़ाइन हुआ हुआ है कि वो 3 वोल्ट को लॉजिक 0 लेता है और 3.1 वोल्ट को लॉजिक 1 लेता है, तो फिर हम ये स्टैंडर्ड ही रखेंगे। अगर कंट्रोलर ऐसा डिज़ाइन हुआ हुआ है कि 3.3 वोल्ट को लॉजिक 0 लेता है और 3.4 से लेकर ऊपर 5 वोल्ट को लॉजिक 1 लेता है, तो फिर हम डिज़ाइनिंग उस हिसाब से करेंगे। सो
अब डिजिटल से मुराद इस लेक्चर में ये नहीं होगा कि आपको स्ट्रेट 1 या 0 मिलेगा, आउटपुट पे आपको वोल्टेज ही मिलेगी, लेकिन वो वोल्टेज जो है वो कंसिडर होगी एज लॉजिक 1 या लॉजिक 0, और ये कितने वोल्ट पे कंसिडर होगी ये डिपेंड करेगा आपके पास माइक्रो कंट्रोलर पे। मोस्ट केसेस में ये होता है कि 3.3 और उससे ऊपर जितने वोल्टेजेस हैं वो लॉजिक 1 कंसिडर होती हैं, और 3.3 से नीचे की जो वोल्टेज है वो लॉजिक 0 कंसिडर होती है। सो हम इस हिसाब से अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और सर्किट को डिज़ाइन करते हैं ताकि ये लॉजिक्स जो है ना इनको हम फॉलो कर सकें। सो नेक्स्ट हमारे पास है सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट। अब कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट की टर्मिनोलॉजी क्या है और इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से मुराद है ऑपोजिट, ऑपोजिट टाइप के हम मॉसफेट यूज करते हैं। एक मॉसफेट हम यूज करते हैं यहाँ पे पी मॉस, एन मॉस, और एक मॉसफेट हम यहाँ यूज करते हैं पी मॉस। ठीक है, सो एक दो कॉन्सेप्ट समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट से रेलिवेंट, कि जो पी मॉस होता है वो हमेशा VDD से कनेक्ट होता है। ठीक है, पी मॉस का जो कनेक्ट जो ड्रेन है वो VDD से कनेक्ट होता है, और जो एन मॉस है उसका जो ड्रेन है वो हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट होता है। ठीक है जी, अब इस चीज को हम ये कहते हैं कि ये पुल अप है, यानी कि मॉस्फेट कनेक्टेड टू पुल अप, इसको पुल अप बोलते हैं और इसको पुल डाउन कहा जाता है। सीमोस में हमेशा हम ऊपर वाले साइड पे, यानी कि जो सोर्स वाली साइड है वहां पे पीमोस अटैच करते हैं, जो नीचे जो ग्राउंड वाली साइड है वहां पे हम एनमोस अटैच करते हैं। ठीक है जी, सो ये हमारा जो एनमॉस है, एनमॉस के केस में हमारे पास ये जो टर्मिनल है ये गेट होता है, ये टर्मिनल सोर्स होता है, और ये टर्मिनल ड्रेन होता है। क्योंकि हम गेट टू सोर्स वोल्टेज हमने हाई करनी होती है हमेशा, तो सोर्स गेट सोर्स हमारा लोअर वोल्टेज पे होता है इन इन एनमॉस, और पीमॉस 0 पे ऑपरेट करता है, इसलिए हम यहाँ पे सोर्स को एज ए हाई सोर्स हाई वोल्टेज पे रखते हैं, यानी कि उसको VDD से कनेक्ट करते हैं। सो पीमॉस के केस में यहाँ पे ड्रेन होगा, यहाँ पे गेट होगा, सॉरी सोर्स होगा, गेट होगा, और ये ड्रेन होगा। सो ड्रेन हमने हमेशा दोनों के कॉमन रखने हैं पीमॉस टर्मिनोलॉजी में, सीमॉस में। तो जो गेन ड्रेन है दोनों के ये कॉमन होते हैं। पीमॉस का जो सोर्स है ये पुल अप होता है, यानी कि VDD से कनेक्ट होता है, और एनमॉस का जो सोर्स है ये पुल डाउन होता है, यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट होता है। दोनों के जो गेट्स हैं, गेट पे आप सिग्नल देते हैं इनपुट का, गेट पे सिग्नल देते हैं हमेशा इनपुट का, और ड्रेन से हम आउटपुट लेते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे कर रहे हैं, इनका जो सर्किट जो हमने बनाया है कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट्स का, ये बेसिकली एक इन्वर्टर सर्किट है। डिजिटल अगर हम उसको देखें तो वो एक इन्वर्टर सर्किट है, तो ये काम कैसे करता है? अगर इन्वर्टर की हम बात करें तो इन्वर्टर होता क्या है? इन्वर्टर ये होता है कि जो भी इनपुट पे सिग्नल है
जो भी इनपुट पे सिग्नल है उसका ऑपोजिट हमें आउटपुट पे प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर इनपुट पे जीरो लॉजिक है तो आउटपुट पे वन लॉजिक आ जाएगी, अगर इनपुट पे वन लॉजिक है तो आउटपुट पे जीरो लॉजिक आ जाएगी। सो इसमें हम करते क्या है, वो आइदर अप्लाई 0 वोल्ट और VDD, यानी कि जो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है पूरी की पूरी, वो हम इनपुट पे अप्लाई करते हैं। 0 वोल्ट मीन्स लॉजिक जीरो एंड VDD मीन्स लॉजिक वन ऑफ द डिजिटल टर्मिनोलॉजी। सो VDD नॉर्मली 5 वोल्ट होता है और जीरो लॉजिक जीरो नॉर्मली 0 वोल्ट होता है। व्हेन वी अप्लाई लॉजिक जीरो ऑन द इनपुट वी गेट वन ऑन द आउटपुट, और वन इनपुट अप्लाई करेंगे तो 0 ऑन द आउटपुट। ये होगा कैसे? अब आप देखो कि हमने लॉजिक जीरो अप्लाई किया और रिकॉल करते हैं कि ये हमारे पास था पी मॉस और ये हमारे पास था एन मॉस। पी मॉस किस लॉजिक पे ऑन होता है? पी मॉस उस टाइम पे ऑन होता है जब गेट पे 0 वोल्ट सप्लाई होते हैं, जब गेट पे हम 0 वोल्ट सप्लाई करते हैं तो फिर पी मॉस ऑन हो जाता है और एन मॉस उस टाइम पे ऑफ हो जाता है। सो इसलिए जब हम 0 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो Q2 ऑफ हो गया, Q1 ऑन हो गया। अब ऑन जब ये हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या है कि जो VDD था यहाँ पे वो पूरा का पूरा VDD अब यहाँ पेयर हो जाएगा और यहाँ से इसको नीचे जाने को कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये यहाँ से हम इसको एज ए आउटपुट ले लेंगे। सो यहाँ से हम देखते हैं कि जब हम 0 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रहा है, मतलब हमें आउटपुट पे लॉजिक वन मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमने इनपुट पे VDD अप्लाई किया हुआ है, एन मॉस जो है वो लॉजिक वन पे ऑन होता है। सो इस केस में एन मॉस ऑन हो जाएगा, एन मॉस ऑन हो जाएगा और पी मॉस ऑफ हो जाएगा। सो पी मॉस ऑफ है इसका मतलब है VDD नीचे नहीं आ सकती, ये VDD ऊपर ही रहेगी। और अगर एन मॉस ऑन है इसका मतलब है कि ये वाला टर्मिनल और ग्राउंड का टर्मिनल अब कनेक्टेड है, तो ये जो ग्राउंड यानी कि 0 वोल्ट है यहाँ अपीयर होगा और जब यहाँ से आउटपुट लेंगे तो हमें यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा। मीन्स कि जब हम इनपुट पे लॉजिक वन दे रहे हैं तो आउटपुट पे लॉजिक 0 मिल रहा है। यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया था इन्वर्टर, इसी तरह से हम डिज़ाइन अब करने जा रहे हैं बाकी के जो हमारे पास लॉजिक गेट्स यूनिवर्सल हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। सो अब ये दोनों गेट्स हम डिज़ाइन करते हैं कि ये क्या है। अच्छा जी, पहले हम नैंड गेट डिज़ाइन कर रहे हैं और नैंड गेट का टेबल देख लेते हैं जी। नैंड गेट का टेबल क्या होता है कि जब हमारे पास 0 0 हो तो आउटपुट पे क्या आता है हमारे पास, इसमें 1 आता है नैंड गेट के केस में, ठीक है। और जब 0 1 एंड गेट की अगर हम बात करें तो एंड गेट का वो पता है कि 0 0 पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, नैंड उसके अपोजिट, इन तीनों पे 1 और आखिर में 0। सो ये नैंड गेट का टेबल है। सो इसको हमने सामने रखना है और फिर हमने अपना सर्किट जो डिज़ाइन करेंगे तो उसको हमने वेरीफाई कर लेना है कि हमने सर्किट ठीक डिज़ाइन किया है कि नहीं। सो पहले हमने क्या करना है कि हमने इक्वेशन लिख लेनी है। हमें हमारे पास जो भी सर्किट दिया गया है जो हमने इंप्लीमेंट करना है उसकी इक्वेशन लिख लेनी है। इक्वेशन मतलब कि वी आउट जो है वो किसके इक्वल होगा, हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, नैंड गेट। नैंड गेट की इक्वेशन क्या होती है, ए डॉट
पी और यहाँ पे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये है इक्वेशन नैंड गेट की, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब जो इक्वेशन गिवन है ना विद कॉम्प्लीमेंट, इस चीज का ख्याल रखना है, इक्वेशन हमेशा इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ये जरूरी है। जो इक्वेशन सीमॉस के लिए, सीमॉस इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है, ये चीज जरूरी है जी। सो अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में नहीं है तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो अब देख लेते हैं कि ये क्या है। अब ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है नैंड गेट की, जो इक्वेशन गिवन है उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करना है हमने पुल डाउन नेटवर्क में, इम्प्लीमेंट इन पुल डाउन नेटवर्क। मतलब क्या कि उसको हमने इम्प्लीमेंट कर देना है एज इट इज विद द हेल्प ऑफ एनमॉस, ठीक है। अब आप देखो कि ए डॉट बी है, सो और एक चीज और मैं बताता हूँ इसमें कि इक्वेशन का और सर्किट का रिलेशन क्या है। इक्वेशन और सर्किट का रिलेशन है हमारे पास कि अगर तो हमारे पास गिवन है रिलेशन ऑफ इक्वेशन वर्सेस सर्किट, वो क्या है कि डॉट मींस सीरीज एंड वो क्या होता है दूसरा और मींस पैरेलल, ठीक है। हम यहाँ एंड कर देते हैं, एंड मीन्स सीरीज और मीन्स पैरेलल, ठीक है जी। सो अगर जहाँ पे एंड होगा उसको, उसके जो सर्किट होगा उसके जो मॉस्फेट्स होंगे उनको आपने सीरीज में कनेक्ट करना है, और जहाँ और होगा उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है। सो जो इक्वेशन गिवन है उसको आपने एज इट इज इम्प्लीमेंट कर देना है इन पुल डाउन नेटवर्क, और इक्वेशन के अंदर जो भी चीज़ गिवन है, अगर तो यहाँ प्लस गिवन है तो यहाँ हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, अगर यहाँ डॉट गिवन है एंड गिवन है तो फिर हम इसको सीरीज में दोनों को कनेक्ट करेंगे। सो दोनों एनमॉस को हमने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट करना है पुल अप नेटवर्क, ये वाला। और पुल अप नेटवर्क में हम क्या करेंगे, इक्वेशन का जो होगा ना इम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सर्किट इन पुल अप नेटवर्क, जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसका आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसको पुल अप ने इम्प्लीमेंट कर देना है। अब अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए बार और बीच में क्या आएगा प्लस बी बार, ठीक हो गया। सो अब जब कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया, अब यहाँ पे साइन चेंज हो गया, अब ऊपर जो आपके पास सर्किट लगेगा उसमें जो मॉस्फेट्स लगेंगे वो हमारे पास पैरेलल में अटैच होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद, ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए हमने ऊपर जो है
वो प्लस में लगाया है। तो सिंपल अगर हम देखें, इस पूरे को सम अप करें, तो जो इक्वेशन गिवन है उसको एज इट इज हमने, उसके जो साइन है उसको देखते हुए एज इट इज हमने पुल डाउन में कनेक्ट कर देना है, यानी कि एन मॉस को हमने उसी उसी तरह कनेक्ट कर देने हैं जैसे कि इक्वेशन में गिवन है, और उसके एग्जैक्टली ओपोजिट हमने ऊपर वाले पी मॉस कनेक्ट करने हैं। और यहाँ पे जो एन मॉस, एक एक एन मॉस को यहाँ पे ए से कनेक्ट कर देना है, ए इनपुट, और उसको कॉमन करके ऊपर वाले एक पी मॉस से। इसी तरह इस वाले पी मॉस को इससे, अब ये जरूरी नहीं है कि आप इस एन मॉस को इससे कनेक्ट करें, इसको आप इससे भी कर सकते हैं, इसी तरह इसको भी इससे कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है तरतीब याद रखना। वैसे आसानी के लिए जो पहला वाला है उसको पहले वाले से कनेक्ट कर दें, दूसरे वाले को दूसरे वाले से कनेक्ट कर दें, ये इनकी इनपुट्स कॉमन होके आपके पास एक आ जाएंगे। सो अब आप कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे एक इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। अब जब यहाँ पे 0 0 देंगे तो आपको यहाँ 1 मिलेगा, और यहाँ पे जब आप 1 1 देंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ये लॉजिक सेटिस्फाई कैसे हो रही है। ये जो हमने कहा है कि 1 0 0 पे 1 आएगा और 1 1 पे 0 आएगा, ये कैसे हो रहा है। तो अब हम ये लॉजिक अप्लाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये वाकई ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। सो अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जी, पहला पहला वाला 0 अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने 0 लॉजिक अप्लाई किया और यहाँ पे भी 0 लॉजिक अप्लाई कर दिया। सो 0 लॉजिक पे देखते हैं कि कौन से, हर लॉजिक पे आपने बस ये देखना है कि कौन से ट्रांजिस्टर ऑन हो रहे हैं और कौन से ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। सो अब आप देखते हैं कि जी 0 पे कौन से ऑन होंगे। 0 पे ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा और ये वाला ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा जो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ, और इस पे ये ऑफ हो जाएगा 0 पे, और इस पे ऑफ रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आउट पे क्या आ रहा है। ये दोनों ऑफ हैं, मतलब कि ये ग्राउंड यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, और ये दोनों ऑन है, इसका मतलब है कि VDD यहाँ से भी ट्रेवल करके यहाँ पहुँच सकती है और VDD यहाँ से भी ट्रेवल करके यहाँ पहुँच सकती है। सो अगर हमने दोनों पे 0 0 अप्लाई की है तो VDD यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे आ रही है और हमें आउटपुट पे मिल रहा है, आउटपुट पे यहाँ हमें VDD अपीयर हो रहा है, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं जी लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट है जी, हमने इनपुट पे दोनों पे VDD अप्लाई किया, अब आउटपुट पे क्या होगा। सो इस केस में हमने इनपुट पे 1 अप्लाई कर दिया लॉजिक, यहाँ भी लॉजिक 1 अप्लाई कर दिया। अब कौन से ऑफ है कौन से ऑन है, ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये भी ऑफ है इस केस में, अब ये ऑन है और ये भी ऑन है। सो अब क्या हो रहा है कि ऊपर से VDD आपको यहाँ पे ऑफ मिल रहा है, तो यहाँ VDD अपीयर नहीं हो रही। 1 पे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाते हैं और 1 पे दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे तो नीचे से आपको ये ग्राउंड यहाँ अपीयर होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा ग्राउंड, यानी कि लॉजिक 0। फिर थर्ड हम कोई केस देख लेते हैं इन तीनों के बीच वाला। थर्ड इन तीनों के बीच में कोई देख लेते हैं। अच्छा जी ये देख लेते हैं जी 0 1। तो ये है जी ए पे 0 है, सो लेट्स सपोज हम कहते हैं जी ए पे 0 है और बी पे 1 है, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन है कौन सा ऑफ है। सो 1 किस किस से कनेक्ट है, एक इससे और एक इससे। इसका मतलब है कि 1 की वजह से ये वाला ऑन हो जाएगा और 1 की वजह से ये वाला ऑफ हो जाएगा। फिर 0 किससे कनेक्ट है, 0 एक इससे कनेक्ट है और एक 0 इससे कनेक्ट है। तो 0 की वजह से ये जो पी मॉस है ये ऑन होगा और इस 0 की वजह से ये वाला एन मॉस
ऑफ हो जाएगा। अब सर्किट कैसे काम कर रहा है अब देखते हैं जी, क्योंकि ये वाला ऑन है ये ऑफ है, इसका मतलब है कि वीडीडी अगर यहाँ से नहीं आएगी तो वीडीडी यहाँ से पास करके यहाँ पे पहुँच सकता है। सो यहाँ पे हमें वीडीडी मिल रहा है, और अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ये वन ये तो ऑन है बट ये ऑफ है, सो ये पाथ कंप्लीट नहीं है, ये वाला पाथ कंप्लीट है। तो इस केस में भी हमारे पास आउटपुट पे क्या अपीयर होगा, वीडीडी यहाँ से हमारे ये टेबल वेरीफाई होता है। सो ऐसे हम कोई भी सर्किट बनाने के बाद अपने टेबल को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने सर्किट ठीक बनाया या नहीं बनाया।